हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों, इन क्लासेस से आपकी इंग्लिश पढ़ने की स्पीड भी बढ़ जाती है और आप कई नए वर्ड्स सीखते हैं उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारी क्लास है उस कहानी का टॉपिक है मेसी मेक्स अ फ्रेंड। तो मेसी एक लड़की है, मेक अ फ्रेंड होता है दोस्ती करना या दोस्त बनाना। तो कहानी शुरू होती है नो वन टॉक्ड टू मेसी। तो नो वन यानी कोई भी नहीं टॉक्ड बात करना किससे, मेसी से। तो कोई भी बात नहीं करता था मेसी से। हर फादर, हर आया है किसके लिए, मेसी के लिए। तो जो मेसी के पापा हैं वॉज अ वेरी इम्पॉर्टेंट, वो क्या थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी ज़रूरी मैन इन द सिटी। तो वो शहर के जाने माने और बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान थे। एंड व्हेन ही विजिटेड द स्कूल, और जब भी वह स्कूल आते थे तो क्या होता था, द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स, तो जो प्रिंसिपल थे और जो अध्यापक थे वर वेरी पोलाइट टू हिम, वो बहुत क्या होते थे, विनम्र होते थे, बहुत सभ्य होते थे यानी बहुत रेस्पेक्ट देते थे मेसी के पापा को। ही केम एज द चीफ गेस्ट, वो आए कैसे, चीफ गेस्ट फॉर सम ऑफ द स्कूल फंक्शंस टू, तो कुछ जो स्कूल के कार्यक्रम होते हैं उनमें भी वे आते थे। कैसे आते थे, एज चीफ गेस्ट, तो मुख्य अतिथि के रूप में भी मेसी के पापा इनके स्कूल फंक्शंस में आते थे क्योंकि वो शहर के बहुत जाने माने व्यक्ति थे। नेक्स्ट पैरा, बट दिस, लेकिन इसने डिड नॉट हेल्प मेसी, मेसी की कोई मदद नहीं की। हु वॉज अ शाई गर्ल, क्योंकि हु किसके लिए आया है, मेसी के लिए। तो मेसी क्या थी, एक शर्मीली लड़की थी। तो जब भी आप किसी नए स्कूल में जाते हैं शायद ये हर किसी के साथ होता है कि नए दोस्त बनाना आपके लिए मुश्किल होता है नए स्कूल में। शी डिड नॉट मेक फ्रेंड्स, तो उसने नहीं बनाए दोस्त आसानी से, ईजिली, तो आसान नहीं होता नए स्कूल में। सो इसलिए एवरीवन थॉट, सभी ने सोचा, हर वेन, उसे क्या सोचा कि भाई उसे बहुत अभिमान है, अहंकार है, एंड प्राउड, और वो बहुत घमंडी है। दे डिड नॉट रियलाइज, उन्होंने, किन्होंने, जितने भी बच्चे थे उन्होंने ये एहसास नहीं किया दैट कि एक्चुअली सच में शी वॉज वेरी लोनली, वह क्या थी, बहुत ज़्यादा अकेली थी। एंड longed for a friend, और एक दोस्त की क्या थी, उसे इच्छा थी, बहुत चाहती थी कि उसका कोई दोस्त बने। नेक्स्ट पैरा, वन डे, एक दिन टिम केम टू स्कूल, जो टिम नाम का एक लड़का है वह स्कूल आया विदाउट हिज मैथमेटिक्स बुक, विदाउट यानी बिना अपनी मैथमेटिक्स की किताब के, तो अपनी गणित की किताब के बिना एक दिन टिम स्कूल आया। द टीचर वॉज वेरी इरिटेटेड, तो जो अध्यापक थे वो बहुत चिढ़ गए थे। एंड सैड, और उन्होंने कहा यू जस्ट सिट देयर, तुम बस वहाँ बैठो। एंड वॉच द अदर्स, और देखो दूसरों को क्या करते हुए, डू देयर वर्क, अपना काम करते हुए टिम। तो टिम को उसकी टीचर जो बहुत गुस्से में और चिड़ी हुई थी क्योंकि टिम क्या नहीं लाया था, अपने साथ गणित की किताब नहीं लाया था, तो टीचर ने चिड़के कहा कि भाई तुम बस वहाँ बैठो और दूसरों को देखो काम करते हुए। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट पैरा, मेसी क्वाइटली पिक्ड अप हर बुक्स, मेसी ने बिल्कुल शांति से पिक अप यानी उठाई, क्या उठाई, हर बुक्स, अपनी किताबें। एंड सेट डाउन, और बैठ गई कहाँ, ऑन द एम्प्टी सीट, और एक खाली सीट पर बैठ गई नेक्स्ट टू टिम, टिम के बिल्कुल बराबर में। दे वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर मतलब उन्होंने काम किया, टुगेदर मिलकर, एक साथ, तो इन दोनों ने, टिम ने और मेसी ने मिलकर काम किया। ड्यूरिंग, दौरान, किसके दौरान, रिसेस, तो रिसेस के दौरान, तो रिसेस होती है स्कूल में 4 या 5 क्लासेस के बाद बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए अंतराल मिलता है, एक खाली टाइम मिलता है, ब्रेक मिलता है जिसमें आप अपना खाना खा सकते हैं या थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। तो उस रिसेस के दौरान, खाली समय के दौरान, टिम केम, टिम आया, कहाँ आया, टू मेसी, मेसी के पास आया। एंड सेड, और टिम ने कहा थैंक यू मेसी, मेसी आपका शुक्रिया।
नेक्स्ट पैरा, आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, टिम एंड मेसी, जो टिम और मेसी थे, ऑफन स्टडीड, अक्सर पढ़ते थे, एंड प्लेड, और खेलते थे, टुगेदर, साथ में, बट लेकिन द अदर स्टूडेंट्स, जो बाकी के विद्यार्थी थे, लाफ्ड एट हिम, हंसते थे हिम पर, हिम कौन है यहाँ पर, टिम, एंड डिड, और करते थे, क्या करते थे, नॉट ट्राई टू मेक फ्रेंड्स, वो नहीं करते थे ट्राई यानी कोशिशें टू मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाना, किसको दोस्त बनाना, विद मेसी, तो दोस्ती किसके साथ नहीं करना चाहते थे वो लोग, मेसी के साथ. नेक्स्ट पैरा, अ कॉन्सर्ट वॉज कमिंग, एक संगीत कार्यक्रम आने वाला था, अब शॉर्टली, बहुत जल्द ही आने वाला था, कहाँ पर, इन स्कूल, उनके स्कूल में, मिस डॉर्थी, तो मिस डॉर्थी जो थी, द म्यूजिक टीचर, जो संगीत की शिक्षिका थी, हेल्ड ट्रायल्स, तो इन्होंने जांचने के लिए क्या रखी, ट्रायल रखी, तो ट्रायल होता है एक प्रॉपर इवेंट जिसमें आपकी क्षमता को जांचा जाता है, क्या आप उस काबिल हैं या नहीं, तो मिस डॉर्थी ने, जो उनकी संगीत की टीचर थी, उन्होंने ट्रायल रखे कि भाई किस में कितनी काबिलियत है, एंड सेलेक्टेड, और उन्होंने चुनाव कर लिया किसका, मेसी का, क्या करने के लिए, टू सिंग, गाने के लिए, अ सोलो सॉन्ग, तो जो संगीत कार्यक्रम आने वाला था बहुत जल्द ही स्कूल में, तो मिस डॉर्थी ने जब सबकी काबिलियत जांची, तो उन्होंने किसको सेलेक्ट किया, मेसी को, गाने के लिए एक सोलो सॉन्ग. सोलो सॉन्ग होता है जब आप अकेले गाना गाते हो, ड्यूएट होता है जब दो लोग गाना गाते हैं, ड्यूएट मींस DUET, तो मूवीज में जो दो सिंगर गाना गाते हैं, एक मेल और फीमेल, उसको ड्यूएट सॉन्ग बोला जाता है. नेक्स्ट, दिस अपसेट, इसने नाराज कर दिया, किसने, मेसी के सिलेक्शन ने, किस किस को, दिस अपसेट केरन एंड फ्रीडा, इसने नाराज कर दिया इस सिलेक्शन ने केरन को और फ्रीडा को, बिकॉज, क्योंकि, दे हैड बीन होपिंग, ये क्या कर रही थी, ये उम्मीद कर रही थी, होप कर रही थी, क्या होने का, टू बी सेलेक्टेड, कि भाई इन्हें भी चुन लिया जाएगा, तो अपने चुनाव होने का ये उम्मीद कर रही थी, सो इसलिए दे स्प्रेड, स्प्रेड होता है फैलाना, उन्होंने फैला दिया, क्या फैला दिया, अ र्यूमर, र्यूमर होता है अफवाह, दैट कि द टीचर हैड टेकन, जो अध्यापिका थी उन्होंने लिया है, क्या लिया है, मेसी, मेसी को, बिकॉज, क्योंकि, हर फादर वॉज एन इम्पॉर्टेंट मैन, क्योंकि हर फादर, हर किसके लिए आया है, मेसी के लिए, तो इन्होंने एक अफवाह फैला दी स्कूल में कि जो अध्यापिका हैं उन्होंने मेसी का चुनाव इसीलिए किया है क्योंकि उसके पापा एक क्या थे, एक बहुत ही जाने माने शख्स थे, इसीलिए उनका चुनाव किया गया, तो जो एबिलिटी थी मेसी की उसको दरनिकार करके इन दोनों ने अपनी जेलसी और नाराजगी दिखाने के लिए ये अफवाह फैला दी. मिस डॉर्थी ऑलवेज, मिस डॉर्थी हमेशा ट्रेंड, प्रशिक्षण देती थी, तैयार करती थी अ सेकंड सिंगर, एक दूसरा गीत गाने वाले को, टू सिंग, गाना गाने के लिए, इफ, अगर, देयर वॉज अ क्राइसिस, क्राइसिस होता है संकट यानी मुसीबत की घड़ी, तो मान लीजिए कोई मुसीबत आ जाए तो जो दूसरा संगीतकार है वो अपना गाना गा सके, इसीलिए मिस डॉर्थी हमेशा एक दूसरे गाना गाने वाले को भी प्रशिक्षण साथ साथ देती थी, सो इसलिए शी ट्रेंड, उन्होंने प्रशिक्षण दिया किसको, कैरन टू, कैरन को भी उन्होंने प्रशिक्षण दिया बैकअप के लिए. टू डेज बिफोर, दो दिन पहले, किससे पहले, द कॉन्सर्ट, संगीत कार्यक्रम से पहले, मेसी, जो मेसी थी, फेल सिक, फेल सिक होता है बीमार पड़ना, तो मेसी बीमार हो गई थी, हर थ्रॉट, तो जो गला था मेसी का, हर्ट, वह बहुत दर्द कर रहा था, दुख रहा था, एंड शी हैड फीवर, और उन्हें था, क्या था उन्हें, फीवर, उन्हें बुखार भी था, शी वॉज अनहैप्पी, वो बहुत नाखुश थी, बिकॉज, क्योंकि, नाउ शी कुड नॉट सिंग, नाउ, अब, शी कुड नॉट, वो नहीं कर सकती थी, क्या, सिंग, यानी गा नहीं सकती थी, कहाँ, इन द कॉन्सर्ट, संगीत कार्यक्रम में, तो इतनी अच्छी संगीतकार अगर गाना ना गा सके तो जाहिर सी बात है दुख होता है ऐसी अपॉर्चुनिटी जब भी मिस हो जाए तो. नेक्स्ट पैरा, On the day of the concert, उस दिन, किस दिन, concert वाले दिन, Tim came, Tim आया, कहाँ आया, To meet her, तो यहाँ हम हर किसके लिए बात कर रहे हैं,
मेसी, तो वो मेसी से मिलने आया एंड और चैटेड विद हर, चैट होता है बातचीत करना, तो टिम ने बातचीत की उसके साथ अबाउट ऑल, सब बारे में, दैट जो कि वॉज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन होता है जो चल रहा होता है, तो टिम ने मेसी से सब चीज़ों के बारे में बातचीत की जो भी स्कूल में हो रहा था, क्योंकि मेसी क्या थी, बीमार थी। ही, वह, सो दैट, वह देखता है कि देर वॉज अ नर्स, वहाँ एक नर्स भी थी जो क्या कर रही थी, लुकिंग आफ्टर, तो लुक आफ्टर होता है किसी की देखभाल करना, वो किसकी कर रही थी, मेसी की, क्योंकि मेसी क्या थी, बीमार थी। हर पेरेंट्स यानी मेसी के माता पिता डिड नॉट सीम, सीम होता है प्रतीत होना या ऐसा लगना, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि हर पेरेंट्स उसके माता पिता बी एट होम, कहाँ हो, घर पे हो, ये किसको नहीं लग रहा था, टिम को। हर फादर वॉज इन ऑफिस, उसके पिता जो थे वो कहाँ थे, ऑफिस में थे। शी एक्सप्लेन, ये किसने बताया, ये बताया मेसी ने। टिम केम अगेन, जो टिम है वो दोबारा आए, कब, द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ब्रिंगिंग स्टोरी बुक्स, और ब्रिंग होता है लेकर आना, टिम क्या लेकर आया था, कहानियों की किताबें। He told her, उसने बताया किसको, मेसी को, the concert had gone off fine, कि जो संगीत कार्यक्रम था वो गया, कैसा गया, gone off fine, वो बहुत ही अच्छा गया, तो gone off fine होता है बहुत अच्छा हो जाना। Again, दोबारा, Tim saw the nurse, टिम ने देखा किसको, द नर्स को, क्या करते हुए, लुकिंग आफ्टर, तो यहाँ मैंने आपको बताया लुक आफ्टर होता है किसी की देखभाल करना, वो किसकी देखभाल कर रही थी, मेसी की, तो टिम ने दोबारा देखा कि भाई ये नर्स है वही देखभाल कर रही है मेसी की। दे वर सर्व्ड, उन्हें परोसा गया था यानी दिया गया था क्या, हॉट कोकोआ, गर्मा गर्म कॉफ़ी, सैंडविचेस, जो खाने की सैंडविचेस होती हैं ब्रेड के बीच में कुछ रखकर आपको दिया जाता है, एंड और केक स्लाइसेस, तो जो केक की फाड़ होती है वो भी आपको मिली खाने को, तो किन्हें मिली है खाने को, टिम और मेसी को। अब नेक्स्ट पैरा, टिम वॉच, टिम देख रहा था पजल्ड, असमंजस में, यानी वो कुछ हैरान था, बिकॉज, क्योंकि देर वॉज नो साइन, वहाँ कुछ नहीं था, क्या नहीं था, नामो निशान नहीं था, किसका, ऑफ मेसीज मदर, मेसी की माँ का, तो टिम क्योंकि दो दिनों से वहाँ लगातार आ रहा था और वो ये देख रहा था कि उसकी देखभाल कौन कर रही है, नर्स कर रही है, तो उसे लगा कि उनकी माँ कहाँ है। दे प्लेड, उन्होंने खेला क्या, स्क्रैबल, स्क्रैबल होता है वर्ड गेम यानी कि सुडोकू टाइप का, जो आपको न्यूज़पेपर में भी कई बार मिलता है, उसको हम कहते हैं स्क्रैबल। टिल, जब तक, इट वॉज टाइम, जब तक कि समय नहीं हो गया था, किस चीज़ का, फॉर टिम टू लीव, टिम के जाने का। टिम लर्न, टिम को पता चला कि मेसीज मदर, जो मेसी की माँ है, हैड डाइड, उनका देहांत हो चुका था 3 years ago, 3 साल पहले। When मेसी रिटर्न टू स्कूल, तो जब मेसी रिटर्न यानी वापस आई कहाँ, स्कूल, तो वो वापस कैसे आई, वो बीमार हो गई थी, तो जो वो ठीक होके वापस आए, शी फाउंड, उन्होंने पाया, क्या पाया, दैट एवरी वन, कि सभी के सभी इन हर क्लास, उसकी कक्षा में, हैड बिकम फ्रेंडली, वो बहुत कैसे हो गए थे, फ्रेंडली हो गए थे, दोस्ताना हो गए थे, किसके साथ, मेसी के साथ। कैरन शेयर्ड द वर्क, तो केरन जो थी उन्होंने साझा किया, क्या किया, द वर्क, काम, कौन सा काम, शी हैड मिस्ड, शी है मेसी, तो जो काम मेसी का छूट गया था वो काम भी केरन ने बांट लिया, किसके साथ, मेसी के साथ, तो जो भी पुराना पीछे का स्कूल का काम था वो सारा केरन ने किसके साथ साझा किया, वो उसने मेसी के साथ साझा किया। और ये केरन वही लड़की है जिसने र्यूमर फैलाया था मेसी के बारे में जब उसका चुनाव कर लिया गया था कॉन्सर्ट के लिए। द अदर्स टॉक्ड, बाकियों ने भी बातें की, एंड प्लेड, और खेले, किसके साथ, विद हर यानी मेसी के साथ, एंड इवन शेयर्ड लंच, और यहाँ तक कि साझा किया यानी बांटा अपना दोपहर का खाना, तो रिसेस टाइम में सभी क्लासमेट्स ने मेसी के साथ अपना खाना शेयर किया।
टिम वॉज अ ट्रू फ्रेंड, तो जो टिम था वो क्या था, एक सच्चा मित्र था। तो आपको पता चला कि ये सबका चेंज ऑफ हार्ट कैसे हुआ, क्योंकि टिम ने सभी को बताया कि जो मेसी की माँ है उनका देहांत हो चुका है और वो कितनी अच्छी लड़की है, तो सभी क्लासमेट्स का रवैया मेसी के लिए चेंज हो गया। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, कि जो दोस्त मुसीबत के समय में काम आता है वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। तो इसी अच्छे थॉट के साथ मैं आज की क्लास यहाँ पर एंड करता हूँ। तो दोस्तों मेरी आज की कोशिश अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा क्या आपको आज की क्लास अच्छी लगी, और ऐसी ही और क्लासेस अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय, कीप लर्निंग।